हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में भारी बरसात शुरू हो गई है। सुबह से हो रही बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया है। वहीं नगर निगम के नाले और नहर सफाई के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। लोगों को इस बारिश में भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नैनीताल जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की है। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में कई बार प्रस्ताव दिए हैं इसके पर, लेकिन पंचायत सभा वाला ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया। ये हर साल घुसता है, हर साल बर्तन भी लोगों के बह जाते हैं, खाने पीने का सब राशन सामान बह जाता है।